टेबलेट अंडस्ट्रान, ये आप लोग वर्टिगो के लिए यूज कर सकते हैं। ये पेशेंट को वर्टिगो होता है यानी चक्कर आता है, तो आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। ये असल के एंटीमेटिक है। एंटीमेटिक यानी आप लोगों को उल्टिया या दिल खराब हो सकता है, मतली होती है, तो आप लोग इसके लिए यूज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद जो पेशेंट को दिल खराब होता है, मतली होती है, तो आप लोग इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। और स्पेशल प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल को उल्टी या दिल खराब होता है, तो आप लोग इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे ओनिडिन टेबलेट के बारे में कि ओनिडिन टेबलेट आप लोग कौन सी बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, इसका साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन और इसका सही तरीके इस्तेमाल क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये ओनिडिन 8 mg टेबलेट है और इसका कंपोजिशन यानी फार्मूला है अंडस्ट्रान। इसमें आप लोगों को 8 mg मिल सकता है, इसमें आप लोगों को इंजेक्शन भी मिल सकता है, आप लोगों को 4 mg और 8 mg इंजेक्शन भी मिल सकता है। इसमें आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनी का मुख्तलिफ दामों के साथ मिल सकता है, लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे हाईक्यू फार्मा की ओनिडिन टेबलेट के बारे में। ये असल के एंटीमेटिक है और अगर आप लोगों को उल्टिया, मतली या दिल खराब होता है, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि असल की एंटीमेटिक है। जब आप लोगों को उल्टिया, मतली या दिल खराब होता है, तो आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। वर्टिगो के लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट को चक्कर आता है, तो आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और जिन पेशेंट को सर्जरी के बाद जो उल्टियाँ होती हैं या दिल खराब होता है, तो इसके लिए भी इस्तेमाल की जाती है, डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। और स्पेशल प्रेगनेंसी के दौरान जो फीमेल को उल्टियाँ होती हैं, दिल ख़राब होता है, तो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन है, आप लोग इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी साइड इफेक्ट के हवाले से बात करें, साइड इफेक्ट आप लोगों को डिजीनेस, हेडेक, सर दर्द यानी फेवर, एब्डोमिनल पेन और कंस्टिपेशन यानी कब्ज़ हो सकता है। अगर आप लोगों की अलामत ज़ाहिर हुआ, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो अगर हम इसकी काउंटर इंडिकेशन के हवाले से बात करें, वो पेशेंट इसको यूज़ नहीं कर सकते। जिन पेशेंट को इससे एलर्जी होती है, तो आप इसको बिल्कुल कतई यूज़ ना करें। लीवर पेशेंट और किडनी पेशेंट इसको यूज़ ना करें। तो अगर आप लोगों को जब भी इसको यूज़ करना हो, तो आप लोग डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, ताकि आप लोगों को बाद में कोई मसला ना हो। तो अगर हम इसकी तरीका इस्तेमाल के हवाले से बात करें, तो ये आप लोग ओडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बीडी भी यूज़ कर सकता है। ये तो कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो अगर आप लोगों को कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो या आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिल खराब होता है, मतलियाँ होती हैं, तो आप लोग बीडी भी यूज़ कर सकते हैं और ओडी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप लोग नहार में इसको लेना है, कहने से 1 घंटा या आधा घंटा पहले आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।